हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शकील। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेलर बेडी में। दोस्तों, आप जब भी सिलाई करते हैं धागा बार बार टूट जाता है, तो आप लोग परेशान मत होइए। ये वीडियो खास आपके लिए बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको चार कारण बताऊंगा वो धागा क्यों तोड़ती है मशीन, और उसके उपाय भी बताऊंगा। दो तीन कारण तो काफ़ी लोगों को पता ही होंगे, और एक कारण ऐसा है कि बहुत कुछ लोगों को पता नहीं है, वो भी कारण मैं बताने वाला हूं, उनका उपाय भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट कर बताइए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही बेल वाला आइकॉन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला कारण तो ये है कि जो हमारी जो निडल है, जिसे हम सुई बोलते हैं, वो प्रॉपर तरीके से अगर नहीं बैठे रहेगी तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसे कैसे बिठाना है मैं आपको बता दूंगा प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले हम उसे खोल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, उम्मीद करता हूं आप देख रहे हैं, ये प्लेन वाला हिस्सा है, और हम ज़रा सुई घुमाएंगे तो ये धार वाला हिस्सा है। दो हिस्से होंगे सुई के, जो धार वाला हिस्सा है वो हमें बाहर की तरफ रखना है। ये जो दिख रहे हैं ना आप धार वाला, इसको बाहर की तरफ रखना है, और ये जो प्लेन वाला हिस्सा है उसको अंदर की तरफ रखकर हमें सुई की फिटिंग करनी है अच्छी तरह से। तो मैं आपको फिटिंग करके बता देता हूँ। सुई की फिटिंग हो गई है, ये देख रहे हैं ना आप, ये धार वाला हिस्सा हमें बाहर की तरफ रखना है। दोस्तों, धागा टूटने का दूसरा कारण ये है कि ये जो हमारा, हम जिसे टंचन कहते हैं, टंचन घोड़ा या जो भी, ये हमारी निडल से रगड़ खाता है, यानी कि टच होता है जब भी हम सिलाई करते हैं या वर्क होती है सुई, तो ये टंचन से टच होता है उसको। ये देखिए यहाँ पर रगड़ खाता है, इसलिए हमारा धागा टूट जाता है। ये देखिए दोस्तों, जब भी हमारी सुई वर्क कर रही है, नीचे ऊपर हो रही है, तो उसको सुई हमारी टंचन को टच हो रही है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें टंचन को उसकी सही जगह पर रख देना, फिट करके रखना है। तो उसके लिए हमें कोई भी हथौड़ा या कटिंग प्लेयर कुछ भी ले, उससे हमें टंचन को, ये जो आप होल देख रहे हैं ना, टंचन वाला होल और ये प्लेट वाला होल एकदम बराबर होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। तो हमारा जो टंचन है थोड़ा सा राइट में सरक गया है, तो उसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। आप जिधर भी सरक गया है उसको उसके अपोजिट साइड में मारकर सीधा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो सुई है उस दोनों होल में से आसानी से आ जा रही है, तो अब इससे हमारा धागा नहीं टूटेगा, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद हमें स्क्रू ड्राइवर से जो टंचन वाला जो ये स्क्रू है ना, उसको टाइट कर देंगे हम, ताकि हमारा टंचन हिले नहीं बाद में से। ये देखिए, अब ये बिल्कुल फिट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले कारण की ओर। हम सबसे पहले, ये देखिए, मैं आपको हमारा जो मशीन का प्लेट है उसे खोल कर दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा होल है, प्लेट वाला होल है जो प्लेट का, ये देखिए यहाँ पर कितने स्क्रैचेस आ गए हैं, ये धार धार हो गया हमारा होल, धार धार होल हो गया हमारा ये। तो यहाँ पर धागा जब भी लगेगा इस होल में किनारे से, तो वो टूट सकता है।
आप समझ सकते हैं जो धारदार चीज़ पर धागा रगड़ खाने से वो टूट सकता है। तो इसके लिए हमें दोस्तों ब्लेड चेंज करना ही पड़ेगा। तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं इसको, टेलरिंग मटेरियल की दुकान में से 50-60 रुपए में आराम से मिल जाएगा। तो आप देखें आपकी मशीन का भी ऐसा है अगर प्लेट, तो उसको आप जल्दी से चेंज कर लें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले कारण की ओर, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो ये मशीन का ये लिंक बोलते हैं इसे, ये जो सुई की हमारी दंडी है ना, दंडी को अटैच रहेगा ये लिंक, तो इसका जो स्क्रू है वो लूज होने से हमारी दंडी हिल जाएगी, हिल सकती है। तो हिलने से हमारा जो धागा है वो टूट जाएगा। ये जो आप स्क्रू देख रहे हैं ना, इसे हमें टाइट करना है। ये देखिए हमारी दंडी किस तरह से हिल रही है, हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, अगर हिलेगी तो धागा टूट जाएगा। तो इसको फिट करने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से उस स्क्रू को फिट कर देना है। फिट करने के लिए दोस्तों हमें इस स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत रहेगी। तो उसको स्क्रू में ऐसे लगाकर अपनी सीधी तरफ घुमाना है, तो स्क्रू वो टाइट हो जाएगा। अच्छी तरह से टाइट कर लें, वो दंडी हिले नहीं। अगर दंडी हिलेगी तो धागा टूट सकता है बार बार, तो उसको अच्छी तरह से फिट कर लें। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारी दंडी है बिल्कुल फिट हो गई है, हिल नहीं रही है, तो हमारा धागा अब नहीं टूटेगा। अब हम आराम से सिलाई कर सकते हैं।